गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल राज टेस्ट गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, 9 बजने वाले हैं, कुछ कुछ 2-4-5 मिनट घट रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और अभी है ना फ्रेंड्स, मैंने सुबह जो काम किया है वो आपको पता ही है कि मैं उसको प्रेशर में आकर करती हूँ, तो वो मैंने थोड़ा कर लिया है, तो वो आपको दिखा देती हूँ। कुछ अभी मास्क सिलने और थोड़ा बच रहा है अभी काम। अभी है ना, जो मैं सारे प्लांटों में पानी डालूंगी, क्योंकि मैं कल बिल्कुल डालना भूल गई थी। भूल गई क्या फ्रेंड्स, अभी सर्दी पड़ रही है ना, इस वजह से थोड़ा चल भी जाता है। तो फ्रेंड्स, गर्मी में तो सुबह शाम ही डालना पड़ता है मुझे, तो अभी तो थोड़ा कम केयर की जरूरत है। अब मैं पानी डालते हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पाइप ले लिया है और अब मैं सब में प्रेशर कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इसे प्रेशर करती हूँ के अंदर, ये देख लीजिए, आपको मैं देख करके बताती हूँ। सर्दी में मैं इस प्रकार से ही पानी डालती हूँ, बस इनको ये जो पत्ते पर जो धूल मिट्टी छाती है ना फ्रेंड्स, इनको मैं धो देती हूँ, जिससे पत्तों की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो अभी मैं सब धो के बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट की अगर ग्रोथ अच्छी के लिए चाहते हो तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसको टाइम निकाल कर इसको भी मेरे को ठीक करना है। अब देखते हैं इसको कब टाइम निकालूंगी फ्रेंड्स मैं। और फ्रेंड्स, बूस्टन बर्न है, इसको है ना, जो ठंडी जगह पे रहने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, इसको धूप की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। और ये मेरा क्रोटोन है। और फ्रेंड्स, मैंने परसों तो इनके अंदर खाद डाला था। और ये मेरा रिका फार्म है। और फ्रेंड्स, गाड़ियाँ इतनी निकलती हैं हमारे इधर से, तो धूल मिट्टी बहुत छा जाती है। और फ्रेंड्स, ये मेरा सिपलारा का है। और इधर मेरी मनी प्लांट लग रही है। हल्का हल्का शावर कर देती है इनको पर। फ्रेंड्स, मेरे इधर सिंगोनियम के हैं, तो इन पर भी हल्का हल्का प्रेशर कर देती हूँ पानी का। और फ्रेंड्स, इनकी धूल मिट्टी हटनी चाहिए जब इनकी अच्छे से ग्रोथ होती है। और फ्रेंड्स, मेरे जेट प्लांट है और इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। देखो, अच्छी अच्छी नई नई लीव निकल रही है इसके अंदर से। और इधर मेरे जेट प्लांट है। और फ्रेंड्स, मैं इनको बोनसाई बनाने वाली हूँ, पर मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा। और फ्रेंड्स, जब मिलेगा तब मैं बनाऊँगी। और इनमें भी हल्का हल्का प्रेशर कर देती हूँ। और देखो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सी इनकी ग्रोथ हो रही है, बहुत शानदार। मैंने सारे प्लांटों पे जो पानी का प्रेशर कर दिया है, और अब जा रही हूँ फ्रेंड्स मैं छत पे। सब मैं छत पे जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत सारा काम करना है, तो अभी प्लांटों पे भी डाल देती हूँ छत पे। और छत का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ मेरी छत का। तो मेरे गुडेल में है ना, जो फूल अच्छे अच्छे खिल चुके हैं, देखिए। और देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये तो देखो क्रिसमस ट्री की तरह ही लग रहा है। और कल क्रिसमस ट्री, वो सॉरी, कल क्रिसमस डे भी है। मैंने पाइप ले लिया है और मैं पाइप से करूँगी पानी, आज पाइप पे डालूँगी। और ज़्यादा पानी की आवश्यकता तो है नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी है ना, हल्का हल्का सा उनका दे देती हूँ पानी का शावर। और सर्दी में बिल्कुल बहुत कम पानी की आवश्यकता रहती है। और फ्रेंड्स, ये गुड़ेल है मेरे, तो फ्रेंड्स मैं इनकी पत्तियों पर क्या धूल मिट्टी छा जाती है ना, तो मैं इन पर पानी डाल देती हूँ। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये गेंदे जा रहा है मेरा। और थोड़ा थोड़ा सब में पानी डाल देती हूँ। और ये मेरी गुलदाउदी है। और फ्रेंड्स, ये चांदनी है मेरी, जो चांदनी मैंने कटिंग से ग्रो की थी। और फ्रेंड्स, इसमें ना जो बहुत अच्छे से फ्लोवरिंग होगी अब। और ये मेरा कनेर है। और फ्रेंड्स, अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मैंने सारे प्लांटों में जो पानी डाल दिया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे प्लांटों में पानी डाल दिया है, और अभी सर्दी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा डाला है। और फ्रेंड्स, देखो मुझे तो ये फ्लावर बहुत ही शानदार लग रहा है मेरा गुड़ेल के। और सब में अच्छे से पानी डाल दिया है। और फ्रेंड्स, कल तो मैंने गुड़ाई करी थी और आज मैंने इनमें पानी डाल दिया है।
और फ्रेंड्स प्लूटोनिया देख लीजिए, और ये मेरी गोभी है। और फ्रेंड्स ये गोभियों में ना अभी फूल बनने नहीं लगे, अब स्टार्ट होने लगे हैं। तो पहले वाली में तो बहुत सारे निकल चुके हैं, पर एक साथ ही लगाई थी मैंने। और ये मेरे सारे प्लांट है। और फ्रेंड्स आज तो मेरी सेम की बेल पे भी हल्का हल्का पानी का प्रेशर किया था, पर फ्रेंड्स जहाँ पर फ्लावरिंग होती है ना वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना जो पोलिनेशन है ना धुल जाता है। और फ्रेंड्स मेरे टमाटर देख लीजिए, उन पर भी हल्का हल्का ही पानी डाला है। लौकी का जो फ्लावर है मेल फ्लावर वो खिल चुका था, ये देख लीजिए कल खिल गया था शाम को। और फ्रेंड्स मैं हैंड पोलिनेशन करती पर इसका मेल फ्लावर नहीं खिला हुआ है बिल्कुल भी। अब पता नहीं फ्रेंड्स इसमें फल बनेगा नहीं बनेगा। और फ्रेंड्स दोनों फूल खिलते तभी है ना जो लौकी बनती है, पर देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है इसके साथ। और ये मेरी मटर है। मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूँ, जैसे मैंने कल गुड़ाई कर दी थी और गुड़ाई करने के बाद में फ्रेंड्स मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि है ना फ्रेंड्स बिल्कुल है ना जो पौधे की जड़ों को हवा मिल चुकी थी, और फ्रेंड्स सर्दी है इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अगर गर्मी होती ना फ्रेंड्स तो मैं इतना टाइम नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि गर्मी में तो बहुत पानी की आवश्यकता रहती है। तो अभी मैंने इनमें सब में पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर केयर करोगे, और फ्रेंड्स सबसे मेन चीज़ ये है कि मौसम के अनुसार सभी प्लांटों में पानी डाला जाता है, और उसी प्रकार से अपन को केयर करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैंने सब में पानी डाल दिया है, और अभी थोड़ी देर में धूप में बैठ जाती हूँ, फिर जो भी आगे का काम होगा वो आपके साथ में शेयर करती जाऊँगी। आज है फ्री में एक चीज़ मिल चुकी है हमारे सामने वालों को, जो नीम का पेड़ था ना फ्रेंड्स, उन्होंने नीम काटा था, तो मैंने जो नीम की पत्तियाँ ले ली है। तो फ्रेंड्स इसके कीटनाशक बनाऊंगी, तो फ्रेंड्स मैं आज तो नहीं बनाऊंगी, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाया जाता है। और फ्रेंड्स इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आज नहीं फ्रेंड्स कल बनाऊंगी, तो आपको एक बार पत्ते दिखा देती हूँ। मेरे को फ्री के पत्ते मिल चुके हैं, इतने सारे पत्ते मिल चुके हैं मुझे। और फ्रेंड्स ये जो नीम के पत्ते हैं ना ये तो काम आएंगे, और जो इनकी टहनियाँ हैं ना फ्रेंड्स ये भी बहुत काम की है। तो कल मैं इसका आपके साथ में जो कीटनाशक है फ्रेंड्स कल शेयर करूँगी मैं आपके साथ। टाइम हो चुके हैं 11:15 बज चुके हैं, और मैंने फ्रेंड्स सब में पानी डाला था, और अभी थोड़ा बहुत और कर रही हूँ। हो चुके हैं 2 बज चुके हैं, और 2 बजे नहा के मैं फ्री हुई हूँ, और अभी आपको टाइम बताती हूँ। हो चुके हैं और 2 बजे नहा के फ्री हुई हूँ मैं, जाती हूँ ना तो मुझे छत का काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं छत के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं छत पर ही। 3 बज चुके हैं और अब मैं चलती हूँ छत पर, और आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या काम किए। और फ्रेंड्स जिस दिन मैं पानी से अपने सारे प्लांटों को धोती हूँ तो फ्रेंड्स उनकी चमक इतनी अच्छी हो जाती है कि मैं आपको दिखाए बिना रह नहीं सकती, तो वो दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और ये प्रेशर से पानी से करने से इनकी ये ग्रोथ अच्छी हो रही है। और फ्रेंड्स मैं रोज़ इसलिए दिखाने लगी हूँ क्योंकि मेरा सुबह से ही काम चालू हो जाता है, तो इस वजह से मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ, और रोज़ का अपडेट आपको मिल रहा होगा। और फ्रेंड्स मेरा ये छोटा छोटा काम है, आप रोज़ देखेंगे मेरे वीडियो तो फ्रेंड्स आपको बहुत जल्दी है ना इन चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, भाई कैसे प्लांट की क्या केयर करनी है क्या नहीं करनी है। और फ्रेंड्स छोटी छोटी बातों से ये ना सीखा जाता है, और फ्रेंड्स एक दिन में तो कोई भी चीज़ नहीं आती समझ में। बात और कहना चाहूँगी कि जैसे मैं आपको रोज़ रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स गार्डन का जो काम होता है ना उसके अंदर ये होता है कि एक दिन में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो जैसे मैं रोज़ रोज़ जो भी काम कर रही हूँ, और वो छोटा छोटा काम ही है ना फ्रेंड्स वही महत्वपूर्ण होता है। अगर इन छोटी छोटी बातों को लेकर अपन गार्डनिंग करेंगे, अपने प्लांटों की केयर करेंगे, तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे आपके प्लांट चलेंगे, कोई उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स रोज़ जो ब्लॉग डालती हूँ मैं, आप ज़रूर देखना और देखते रहिए, क्योंकि रोज़ देखेंगे तभी जाके आप अच्छे से अपने प्लांटों की केयर कर पाओगे। मैंने भी है ना फ्रेंड्स यूट्यूब पे जो वीडियो देखती थी ना, तो फ्रेंड्स वीडियो देख देख के ही मैंने सीखा है, मैंने अलग से इसका कोई कोर्स नहीं किया। और फ्रेंड्स मैं भी ऐसी वीडियो देखने के बाद मुझे भी नॉलेज होगा थोड़ा थोड़ा, तो फिर मुझे भी अच्छे से आ गया। तो फ्रेंड्स इनकी यही है कि मिट्टी कैसे बनानी है क्या करना है, तो और सबसे मेन चीज़ होती है फ्रेंड्स मिट्टी। अगर आप मिट्टी अच्छी बनाओगे तो फ्रेंड्स आपका पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी। मतलब ये है कि मेन तो मिट्टी होती है, और एक पोट होता है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर पोट में आपको छेद जरूर करना है, तो छेद करोगे तो उसमें पानी रुकेगा नहीं और जड़ें गलेगी नहीं, तो उसकी पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती रहेगी। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती है ना, तो इनसे ही
सीख पाते हैं अपन। और फ्रेंड्स एक वीडियो देखने से कभी भी कोई गार्डनिंग नहीं सीखी जाती। और फ्रेंड्स मैं झट पे आ चुकी हूँ। और फ्रेंड्स अभी मैंने जो कुछ पिटोनिया के फ्लावर है जो खिल चुके थे कल सुबह, तो मैंने सब में पानी डाल दिया था, अच्छे से प्रेशर कर दिया था। और ये जो पिटोनिया का प्लांट है ना फ्रेंड्स, तो इसमें दो फ्लावर है ना जो खिल के मुरझा भी गए हैं, तो फ्रेंड्स इसको मैं कट कर दे रही हूँ। और ये कट करना ये वो ज़रूरी है। और फ्रेंड्स ऐसी चीज़ हम रोज़ ही करते रहते हैं, तो रोज़ अगर मेरा वीडियो देखोगे तो फ्रेंड्स आप अच्छे से प्लांटों की केयर करना जान जाओगे फ्रेंड्स। तो ये मैंने इसमें कट कर दिए। और ये मेरा सेकंड वाला है इसमें ध्यान रखने वाली, जैसे यहाँ से इसके पीछे से कट करेंगे ना, तो फ्रेंड्स यहाँ से पीछे से कट करेंगे इसके साइड में और ब्रांच निकलेगी। तो फ्रेंड्स इसको भी कट कर दिया और इसके बीच में भी है और इसको भी कट कर दिया। तो फ्रेंड्स इनको कट करने से क्या है कि ये जो फ्लावर है ना दूसरों को खिलने का अच्छा सा वो हो जाता है और एनर्जी पूरी क्या छोड़ देते हैं और इनको एनर्जी मिलने लग जाती है। ये वाला तो मेरा पूरा खाली हो चुका है पिटोनिया का। और पता नहीं फ्रेंड्स मैं दोनों की केयर तो अच्छी कर रही हूँ, पर फ्रेंड्स इसने बाजी मार ली है और इसकी ग्रोथ तो हो ही रही है मस्त। और रोज़ मैं फ्लावर इसके कट कर रही हूँ और इसकी कुछ ज़्यादा संख्या में फ्लावर हो रहे हैं और आ भी रहे हैं। और फ्रेंड्स कलियाँ भी अच्छे से बन रही है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कभी कभी प्लांटों के साथ भी होता है ऐसे। फ्रेंड्स मैंने आपसे सुबह बोला था कि मैंने जो आज लौकी के बीज लगाऊंगी, तो फ्रेंड्स मैंने सुबह गला दिए थे तो वो गल चुके हैं। और मेरे जो लगाने का तरीका है फ्रेंड्स वो अलग है, तो अभी मेरे जिसमें लगा रही वो बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स मैंने लौकी के बीज तो सुबह भिगो दिए थे और जो इनके लगाने के लिए फ्रेंड्स मेरी ये गोभी है, तो गोभी के बाद में ये इतनी सारी जगह इसमें बच रही है। तो फ्रेंड्स मैंने गई साल है जो गिलासों में लगाया था, तो फ्रेंड्स वो जल्दी से जर्मिनेट नहीं हुए थे। तो अब मैंने क्या तरीका है फ्रेंड्स, मैंने उसके बाद में जो तरीका देखा ना फ्रेंड्स कि इस तरह से ज़्यादा मतलब मिट्टी होती है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर है ना जो नमी ज़्यादा बनी रहती है तो अच्छे से ही ग्रो हो जाते हैं और धूप में। तो फ्रेंड्स मैं इसी में लगा कर बताऊँगी अभी आपको। अभी सर्दी का टाइम है तो लौकी का बीज निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जैसे ये लौकी का बीज है ना फ्रेंड्स इस प्रकार से ले लो और इसका जो ये मुँह है ना, तो इसको इसके नीचे रखना है और 1 इंच तक इसको दबाना है और जितना बीज होता है उसकी गहराई में इतना दबाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने इसको दबा दिया है और फ्रेंड्स इसके अंदर में कई सारे लगाऊंगी और फ्रेंड्स इसको टाइम लगेगा और जैसे जर्मिनेट होंगी फ्रेंड्स मैं आपके साथ में इसका वीडियो शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स मैं तो रोज़ अपडेट बताती हूँ आपको मेरे पौधों का, तो इसमें कई सारे बीज लगाऊंगी क्योंकि सर्दी में थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगता है। और इसमें क्या है मिट्टी भी ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या मिट्टी सूखेगी भी नहीं और इस आपको तो सिर्फ इसका जो मुँह है ऊपर का जो आपको नीचे रखना है। और फ्रेंड्स कहते हैं कि 4 दिन में 5 दिन में ऐसे कभी भी नहीं उगते, इनको टाइम लगता है 1 हफ्ता, तो फ्रेंड्स मान ही लो। और फ्रेंड्स धूप में रखना है इनको जब ये जल्दी से ये ग्रो हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं बहुत सारे बीज लगा रही हूँ, अब देखते कितने सारे जर्मिनेट होते हैं उगते हैं, क्योंकि बीज हमेशा ज़्यादा ही लगाना चाहिए। 1 इंच मैंने अंदर दबा दिया है, अब इसमें फ्रेंड्स मैं पानी डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स 1 हफ्ता तो लगेगा इनको निकलने में क्योंकि इनको टाइम लगता है। और मैं इनमें सब पे पानी डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स पानी अच्छे से डालना है, पानी सूखना नहीं चाहिए। और दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, इसको धूप पूरी दिन भर की धूप में रखने इनको, तब अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मुझे तो ये वाला सिंपल तरीका बहुत अच्छा लगता है और मैंने खूब सारे लौकी ऐसे ही ग्रो की है, उनका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है। और फ्रेंड्स मैंने इनको सबको दबा दिया अच्छे से। मैंने जो सुबह आपको सारे पत्ते दिखाए थे ना, वो सारे पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं और उनको इकट्ठा कर लिया, और जिनकी लकड़ी बची थी फ्रेंड्स वो मैंने रख दी और ये लकड़ी भी मेरे काम आएगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पत्ते मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, निकाल लिए थे। और फ्रेंड्स इनका जो वो कीटनाशक है फ्रेंड्स बहुत अच्छा बनता है और उससे कीड़े बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ में कल इसका वीडियो शेयर करूँगी। और इनको फ्रेंड्स सुखा के रख लेते हैं तो फ्रेंड्स बाद में भी काम आता है, तो इसका उपयोग भी बताऊँगी मैं।
लकड़ियाँ निकली थी फ्रेंड्स, वो मैंने संभाल के रख दी है। और ये फ्रेंड्स मेरे काम आती रहती है, जैसे टमाटर भी मेरे ग्रो हो रहे हैं तो फिर उनको सपोर्ट के लिए मेरे को ये लकड़ियाँ काम आ जाएगी। फ्रेंड्स अपने जो प्राकृतिक है, अपने जो पर्यावरण है फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिनका अपन सदुपयोग करके है ना, जो बहुत सारी चीज़ों का सदुपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, अभी जैसे सर्दी चल रही है तो सर्दी के अंदर क्या है कि जैसे सब्जियों के छिलके हैं वो ज़्यादा हम निकलते हैं, तो जैसे गोभी का छिलके हैं या मटर है, तो फ्रेंड्स इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कुछ इकट्ठे कर रखे हैं तो वो आपको दिखाती हूँ, और इनको फेंकना नहीं है। और मैं तो फ्रेंड्स इनको जो खाद बनाने के लिए काम में लूँगी, तो फ्रेंड्स मैं अभी एक दिन आपके साथ में इसका वीडियो शेयर करूँगी, फिर भी मैं दिखाती हूँ। आप लोग भी इस प्रकार से कभी मत फेंकना फ्रेंड्स, रोड पर जो कचरा फैलता है और जिसे ना जो गंदगी फैलती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैं कैसे स्टोर करती हूँ। जो थैली है फ्रेंड्स, इसके अंदर मेरे मटर है, प्याज के छिलके हैं और लहसुन के हैं। तो फ्रेंड्स ये ना मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, और ये बहुत ही है ना, जो बहुत ही अच्छा इसका है ना जो खाद बनता है। और फ्रेंड्स मेरे पास जो बहुत सारा इकट्ठे हो जाएंगे ना फ्रेंड्स इसका, जो मैं इसका वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छा खाद बनता है और बहुत शानदार रहता है फ्रेंड्स। और ये जो कल मैंने सारे फ्लोवर तोड़े फ्रेंड्स, इनको भी नहीं फेंकूंगी मैं, ये भी है ना बहुत अच्छे उपयोग में आएंगे, इसका भी मैं आपको उपयोग बताऊंगी। अभी तो फ्रेंड्स मेरी बेटी ने इनको यहाँ रख दिया है, तो बिल्कुल भी एक भी चीज़ नहीं फेंकती फ्रेंड्स, सब उपयोगी चीज़ है फ्रेंड्स। आज हार्वेस्टिंग के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पालक है जो थोड़ा अभी छोटा है, दूसरा वाला भी अभी छोटा है, थोड़ा बढ़ेंगे तब फ्रेंड्स कल हार्वेस्टिंग करूँगी। आज हार्वेस्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है। और सेम है जो उसमें फली आ रही है, पर इतनी ज़्यादा नहीं आ रही अभी, और बदल हो रहा है देखो। मेरी लौकी है जो देखो बन जाए, क्योंकि अभी मैंने इसमें मेल फ्लावर देखा नहीं था और मैंने हैंड पोलिनेशन भी नहीं किया। अब देखो फ्रेंड्स अगर सक्सेस होता है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। जो मैंने आपको पत्ते बताए हैं नीम के पत्ते, तो फ्रेंड्स का जो मैं आपको कल कीटनाशक कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी बात क्या है कि फ्रेंड्स उसका मैंने वीडियो पहले शेयर कर रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और फिर भी फ्रेंड्स मैं अभी कल एक बार और बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाकर और उस फ्रेंड्स उसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको जैसे अभी तो नीम के पत्ते हैं, थोड़े लहसुन है और हरी मिर्च लेनी है, तो कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप रखना, और बहुत ही अच्छा शक्तिशाली है ना जो कीटनाशक बनता है और नीम की पत्तियों से। तो फ्रेंड्स आप कल वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। मैं वीडियो वो ही है कि मेरा आप वीडियो चेक करना और उसको सब एडिटिंग करना, तो फ्रेंड्स मैं खुद में अकेली करती हूँ, तो बस शाम हो ही जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही है, और आज का अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।